देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होने को है। वहीं इसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। बता दें कि इस बार सियासी दंगल सत्ताधारी पक्ष से द्रौपदी मुर्मू है तो वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा मौजूद है। वहीं बता दें कि एनडीए अपने वोटों के दम पर द्रौपदी को जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में हर तरफ से विपक्ष से भी समर्थन मुर्मू को मिलता जा रहा है, जिससे द्रौपदी को राहत में सांस मिली है और मिल भी रही है। हालांकि उन्होंने कई पक्षों से समर्थन भी मिला है। उन्होंने दीदी यानी ममता बनर्जी से भी समर्थन की मांग की, हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से हामी नहीं भरी, पर समर्थन मिलना तो पक्का है। वहीं मुर्मू लगातार हेमंत को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है बाकियों की तरह मुर्मू हेमंत से मदद मांगी है। वहीं एक और जहां काफी राज्यों से मुर्मू को समर्थन मिला है, तो वहीं एक राज्य ऐसा भी है जहाँ से मुर्मू को एक भी समर्थन मिलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं केरल ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मुर्मू को एक भी वोट नहीं मिल सकता है। बता दें कि केरल एकमात्र ऐसा देश है जहां एनडीए के पास 0 वोट है। बता दें कि वहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में सरकार में सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के ये दोनों ही यशवंत सिन्हा का समर्थन करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा के लिए बड़ी अच्छी खबर है और वहीं इस उम्मीद से भी खड़े हैं कि केरल में 140 विधेयक और 20 लोकसभा सांसद और 9 राज्यसभा सांसदों का समर्थन मिल सकता है। वहीं बता दें कि केरल की विधानसभा या फिर सांसद के दोनों सदनों में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है बीजेपी का। वहीं बता दें कि कई दलों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इनमें से शिवसेना और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। बाकी मुर्मू को लेकर क्या लगता है, क्या यशवंत बनाएंगे अपनी राजनीति में दांव, ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।